नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नाइस जीके विद अर्जुन सर में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट न्यूज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। आज दिनांक 13 नवंबर को LT समर्थक मोर्चा के बैनर तले 50 छात्र लोक सेवा आयोग पर पहुंचे हैं। ठीक है, जो छात्र वहां पर पहुंचे हैं उनकी क्या बात उनसे हुई और किस चीज़ में किस मध्य में उनसे बात की है, उसके बारे में इस लेटेस्ट न्यूज़ को मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको फुल डिटेल्स मिल सके। ठीक है, तो चूंकि धीरे धीरे करके आयोग जो है एक एक दो दो करके सभी रिजल्ट अपलोड कर रहा है, तो देखिए इन दोस्तों ने जो वहाँ पर गए हैं उनसे क्या बात हुई है। ठीक है, इस दौरान मोर्चा के 6 सदस्यों ने चेयरमैन से मिलने का प्रार्थना पत्र सौंपा। आज प्रतियोगी छात्र हिंदी और सामाजिक विज्ञान के रिजल्ट का वार्तालाप करना चाहते थे। अध्यक्ष कार्यालय द्वारा कुछ कारणों का हवाला देकर प्रतिनिधि मंडल ने मिलने से मना कर दिया गया है। मोर्चा संयोजक विक्की खान का कहना है कि अगर इसी सप्ताह दोनों विषयों का रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो अगले सप्ताह आयोग पर अब तक का सबसे विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मोर्चा प्रतिनिधित्व अनिल उपाध्याय का कहना है कि आयोग द्वारा हिंदी और सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जारी होने के बाद ही सभी विषय को सत्यापन की तिथि एक साथ घोषित होनी चाहिए। इस अवसर पर रोहित रजनीश, धनंजय कुशवाहा, नितिन चौधरी, अरुणा पांडे, पंकज अंगोरा, संतोष सिंह आदि लगभग 50 छात्र मौजूद रहे। निवेदक अनिल उपाध्याय, LT मोर्चा समर्थक। ठीक है, तो ये दोस्तों लेटेस्ट न्यूज़ थी जो आप तक पहुंचाई गई है, तो सभी के पास पहुंचाए और अगले होने वाले धरना प्रदर्शन में पूरा सहयोग करें क्योंकि आपकी नौकरी का सवाल है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक बनता है, शेयर बनता है और कमेंट तो बनती है। नमस्कार दोस्तों।